Assalamu alaikum dear viewer, this is Minasir Kafil, how to make a daily balance sheet in Excel. यहाँ पर हम हेड एंड टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, और यहाँ पर डेट, सेल, और यहाँ पर एक्सपेंस, और यहाँ पर बैलेंस। इसको हाईलाइट करने के लिए सेलेक्ट करें और यहाँ से फिल कलर अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये वाला अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे एक मंथ के लिए, तो यहाँ पर वन टैप करें। अब इस पर क्लिक करने के बाद फिल पर चले जाएं और यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करें, कॉलम सेलेक्ट करें और यहाँ पर स्टाफ वैल्यू 30 लिखें। इसके बाद ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 तक की नंबर लग चुके हैं। अब इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करें और इस पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर इस तरह सेलेक्शन करें। यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करें, यहाँ पर डेट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2023, ये डेट है। और यहाँ पर सेल अमाउंट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 सेल अमाउंट हुई है। और यहाँ पर एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 हुई है। यहाँ पर बैलेंस मालूम करेंगे, बैलेंस मालूम करने के लिए इक्वल लिखे, यहाँ पर सेल अमाउंट पर क्लिक करें, माइनस एक्सपेंस अमाउंट पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 2/1/2023 इस डेट पर सेल अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 हुई। यहाँ पर एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 हुई। और यहाँ पर बैलेंस, अब असल फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू वो जो प्रीवियस बैलेंस है, बैलेंस प्लस नेक्स्ट सेल अमाउंट माइनस एक्सपेंस, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को ड्रैग करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल मंथ के लिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और डेट पर 3/1/2023 इस डेट पर सेल हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 और एक्सपेंस 0 है। नेक्स्ट डेट डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4/1/2023 और 45,000 एक्सपेंस में लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये आखिर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। अगर आप इस बैलेंस को यहाँ पर शो नहीं करना चाहते, यानी अगर ये दोनों सेल अमाउंट और एक्सपेंस खाली हो तो ये भी खाली आ जाए, वरना ये बैलेंस आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला के अंदर एडिटिंग करेंगे, F2 प्रेस करें और इसके शुरू में लिखेंगे F ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। यानी अगर ये जो सेल है ना, सेल अमाउंट इक्वल टू एम्प्टी यानी खाली, अगर ये खाली हो कामा इस पर क्लिक करें, और एक्सपेंस भी खाली हो, एक्सपेंस इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट बंद कामा, और यहाँ पर अगेन एम्प्टी लिखे, कामा प्रेस करें, F2 प्रेस करें और फार्मूला में आखिर में चले जाए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। अब इस फार्मूला को दोबारा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ इस प्लस पॉइंट पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट एक एंट्री करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/1/2023 इस डेट पर 50,000 का सेल, और यहाँ पर एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस पर RS रुपीज़ की सिंबल अलामत लगाना चाहते हैं तो इस रेंज को सेलेक्ट करें। सेलेक्शन के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करें। यहाँ पर ये जो जनरल टाइप है इसको डिलीट करें और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर RS डॉट स्पेस डबल कोट्स और 0 लिखें, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल अमाउंट के साथ रुपीस का सिंबल,
यहाँ पर आर एस और यहाँ पर आर एस। अब यहाँ पर एक और एंट्री करते हैं जी, एक 2023 यहाँ पर सेल अमाउंट लिखते हैं 60,000। टैब प्रेस कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ सिंबल ऑटोमेटिक आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2000, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक सेल के साथ अमाउंट के साथ आर एस रुपीस की सिंबल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली बैलेंस शीट बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।